व्हाट्स अप गाइस, हेलो मॉर्निंग। तो सुबह के बज रहे 5:30 और ये है डे 3 स्पीति ट्रिप का। तो जैसा कि आपने देखा, कल मैं सांगला वैली चितकुल कवर किया, गिर गया सांगला कंडा के ऑफ रोडिंग ट्रिप पे, ऑफ रोडिंग राइड पे। बहुत ही अमेजिंग था ऑफ रोडिंग सांगला कंडा के लिए। बहुत लोग ट्रैकिंग करके जाते हैं, रास्ता ठीक नहीं है, बट स्टिल ट्राई किया मैंने और मैं पहुंच गया ऊपर। बहुत कम बाइकर्स जाते हैं, आप ज़रूर देखिए अगर आपने नहीं देखा है वो व्लॉग। तो अभी मैं सांगला चितकुल कवर करने के बाद कल्पा निकल रहा हूँ, और 5:30 बजे 6 बजे बहुत अच्छी मॉर्निंग है, तो पैकिंग सही टाइम पे हो जाएगा, सही टाइम पे निकलूंगा। और अभी मैं प्रिपेयर कर रहा हूँ ओट्स, मेरे पास जो कुकिंग सेटअप है आप देख सकते हैं, बहुत अमेजिंग है। मुझे रूम मिल गया तो यहाँ पर मैं ओट्स प्रिपेयर कर ले रहा हूँ, खा के मैं निकलूंगा और लगेज माउंट करके और एडवेंचर के लिए निकलते हैं। आगे बहुत एडवेंचर होने वाला है, आप बने रहिए। तो गाइज़, ये सांगला वैली और चितकुल के राइड कंप्लीट के बाद अब हम निकल रहे हैं कल्पा के लिए। तो सुबह के बज रहे हैं 7, सही टाइम पे हम निकल रहे हैं कल्पा। टाइम पे पहुंच जाएंगे कल्पा तो बहुत सारे लोकेशंस हम देख सकते हैं। मौसम काफ़ी अच्छा है, बारिश एकदम नहीं है, और कल के एडवेंचर के बाद तो बहुत ज़्यादा एड्रेनल रश हाई है। मन कर रहा और भी चीज़ें देख लें, और भी चीज़ें घूमें। तो चलते हैं कल्पा के लिए आराम से, स्लोली स्लोली सुहाने मौसम की राइड करते हुए। तो ये करचम डैम पार करके अब हम सीधा जा रहे हैं कल्पा के लिए। पीछे रामपुर का रास्ता था, और राइट में जैसा कि मैंने आपको दिखाया था, आपको सांगला जाना पड़ेगा, और ये सीधा डैम होते हुए अब हम जाएंगे कल्पा। तो गाइज़, हम रिकोंगपियो आ चुके हैं। यहाँ से अब कल्पा लेफ़्ट है, हमें यहाँ से लेफ़्ट जाना है कल्पा के लिए। एक डाइवर्जन रोड है और सीधा रिकोंगपियो मार्केट आएगा। सो अभी हम लेफ़्ट चलते हैं, एंड ही इज़ द गाय जिसको मैंने अभी लिफ्ट दिया था थोड़े दूर के लिए। तो इसके साथ हम तो गाइज़, ये कल्पा अब 1 किलोमीटर है रिकोंगपियो से। बहुत टाइम हो गया था निकले हुए, और ज़्यादा दूर नहीं है रिकोंग से कल्पा, बस है कि कल्पा थोड़ी हाइट पे है और कर्वी रोड है, नैरो रोड हो चुके हैं, और ग्रीनरी राइड होने वाली है आपकी रिकोंगपियो से कल्पा के लिए। ये देख रहे हैं आप, तो कल्पा इसलिए फेमस है, बहुत प्यारी रोड है और बहुत ही अच्छी लोकेशन है। तो अब आगे JCB तो ये JCB ने मुझे दिया पास, वरना यार मैं फंस जाता, तो कहीं खुदाई करने जा रहा है JCB की खुदाई। तो अब कल्पा पहुंचने वाले हैं। तो ये है गाइस होम स्टे, चीप एंड बेस्ट ऑप्शन अगर आप सोलो ट्रैवल कर रहे हो और बजट में रहना है। और ये रहा व्यू, आप देख रहे हो पूरा माउंटेन व्यू है। तो सुबह से राइड किया एंड कल्पा पहुंच गया, चीप एंड बेस्ट ऑप्शन मिल गया रहने के लिए, एंड मेरे पास कुकिंग स्टोव वगैरह सब कुछ है, तो मैं चाहे खुद से भी कुछ कुकिंग कर सकता हूँ या मार्केट से मैं कुछ ला सकता हूँ। एनीवेज मेरे पास मैगी, ओट्स और भी दाल बहुत कुछ है, तो या तो बनाऊँगा या फिर मैं कुछ नियर बाई लोकल फूड टेस्ट करूँगा। और अभी निकलते हैं थोड़ा सा रेस्ट करके, चाय कॉफ़ी कुछ बाहर स्नैक्स लेके मैं कल्पा के सारे लोकेशंस फाइंड आउट करूँगा, एंड डेफिनेटली आपसे मिलता हूँ नई लोकेशंस के। तो ये है कल्पा का मार्केट। अब मुझे पता करना है कि लास्ट विलेज कहाँ है, ये राइट से जाता है,
एक विलेज है, मैं नाम भूल रहा हूँ, वो मैं आपको बताऊँगा। वो यहाँ से राइट में रहते हैं और पीछे मोनेस्ट्री पार हो गई है। पहले हम बाकी लोकेशंस कवर करके मोनेस्ट्री आएंगे। तो यहाँ आपको दोनों तरफ रोड के सिर्फ एप्पल ऑर्किड्स दिखेंगे, एप्पल फार्म दिखेंगे। कल्पा इसीलिए फेमस है, ये सतलज रिवर वैली पे है और यहाँ से किन्नर कैलाश की ट्रैक चालू होती है, किन्नर कैलाश जाते हैं लोग। और एप्पल्स के लिए फेमस है यहाँ के एप्पल्स। यहाँ के एप्पल्स बोला जाता है अक्टूबर तक रहेंगे, नवंबर तक रहेंगे, स्नोफॉल तक थोड़े रहते हैं, स्नोफॉल अक्टूबर से चालू होता है। तो ये ख़ास बात है किन्नर ये कल्पा की। तो हमेशा पूरी एप्पल ही एप्पल है पूरी वैली में, पूरे यहाँ पे यही इसलिए, और मोनेस्ट्रीज है तो यही खास बात है कल्पा। तो अभी देखते हैं और कहाँ का मैं जा सकता हूँ, तो अभी एक्सप्लोर करते हैं। ये दो टी पॉइंट आ गया है, तो पता करता हूँ टी पॉइंट से किस लोकेशंस पे मुझे जाना है एंड उसी लोकेशंस पे आगे बढ़ता हूँ। तो ये रास्ता जाता है वहाँ, टी पॉइंट से मैं निकल चुका हूँ, सीधा आपको निकलना है। ये मैं रोगी गांव में, यहाँ की फेमस लास्ट विलेज है इस कल्पा की। इसके आगे कुछ है नहीं, इसके आगे माउंटेन रेंजेस है, बहुत लोग ट्रैकिंग करके ऊपर जाते हैं। तो रोगी गांव के बाद अब मैं निकल रहा हूँ वापस, थोड़ी ऑफ रोडिंग थी। तो गाइज ये रहा रोगी गांव, आप देख सकते हैं वहाँ गांव है, वहाँ पर ऊपर छोटे छोटे घर है। रोड अभी यहाँ पूरी ऑफ रोडिंग चालू हो गई है, कहीं कहीं रास्ता बंद है तो जाना बहुत मुश्किल है। तो लोकल्स ये देख रहे हो आप, ये देखो नीचे से चढ़ के आ रहे हैं, ये ट्रैक करके आपको नीचे गांव में जा सकते हैं, आप ऊपर जा सकते हैं। यहाँ से भी बंद है रास्ता, थोड़ी ऑफ रोडिंग है और आप ऊपर जा सकते हैं। तो ये है रोगी गांव कल्पा का, और सुसाइड पॉइंट उस डायरेक्शन में है। तभी हम अब हम सुसाइड पॉइंट जाएंगे, पहले हमने आगे का कवर कर लिया। अब यहाँ से देखते हैं हम सुसाइड पॉइंट का हमारा वे कौन सा है, थोड़ी कन्फ्यूज़न थी बट डेफिनेटली सुसाइड पॉइंट उस डायरेक्शन में है, वो हम कवर करेंगे। तो कल्पा की जो रोड है आप देख सकते हो, ये रोड देख रहे हो आप, कितनी नैरो रोड है और नीचे स्टीप घाटी है, नैरो वैली है और ऊपर पहाड़ काट के उन्होंने रोड बनाया है। बड़े ये चट्टाने हैं बेसिकली, बड़े बड़े ऐसा है, इसको काट के ये रोड बनाते हैं। और यहाँ पर स्लाइड होता है, देखो आप स्लाइड हो गया, यहाँ पर कोई बैरियर भी नहीं है सेफ्टी के लिए, बट स्टिल आपको यहाँ सेफली राइड करना है, सेफली ड्राइव करना है क्योंकि बहुत ही स्टीप है। और ये सारी मुझे लगता है कि स्टीप ऐसे ही ऊपर ऊपर जाओगे आपको स्टीप मिलता चला जाएगा, पर बहुत अमेजिंग व्यू है किन्नर कैलाश का यहाँ से, और नीचे पूरी नैरो वैली। आई बिलीव स्नोई टाइम पे आप आओगे आओगे तो बहुत मज़ा आएगा यहाँ पे। तो अभी और भी एक्सप्लोर करते हैं कल्पा, अभी पूरा दिन हमारे पास, अभी बस 11 बजे हैं, तो 6 बजे तक जितना हो सके हम एक्सप्लोर करेंगे और आगे बढ़ते रहते हैं, जो भी मिले हम ज़रूर वहाँ रुकते चले जाएंगे। तो अगर है कल्पा में तो एक्सप्लोर ही करेंगे कल्पा आज पूरे दिन। तो बाइक स्टार्ट और लेट्स गो और भी बाकी कल्पा को देखने। तो कल्पा की सुसाइड पॉइंट की एल्टीट्यूड 7500 फीट से भी ज़्यादा है और ये क्लिफ जैसा है, जैसा कि मैंने आपको दिखाया, इसीलिए काफ़ी डीप है। काफ़ी सुसाइड के बाद यहाँ लोकल अथॉरिटीज़ ने ग्रिल्स लगा दिए हैं सो दैट और लोग यहाँ, कोई और दूसरे आके यहाँ वो स्टेप्स जल्दी ना लें। ये काफ़ी ख़तरनाक स्पॉट था, तो अभी से इसमें प्रिकॉशंस लिए जा रहे हैं। तो गाइस अगर कोई डिप्रेशन में है या किसी प्रॉब्लम से गुजर रहा है, जिसे ऐसे स्टेप्स लेने पड़ने की सोच रहे हैं अगर वो, तो उनके साथ जरूर रहें, उनसे मेंटली सपोर्ट करें और उनको ऐसे स्टेप्स लेने ना दें। तो उनके हमेशा आप साथ रहिए, हर ऐसे शख्स चाहे वो अनजान हो या दोस्त हो, किसी कोई भी हो, हमेशा उन्हें सपोर्ट करिए। तो ये रहा था गाइस सुसाइड पॉइंट, बहुत हाइट है, डीप है एंड नैरो है, सीधा स्ट्रेट डाउन है, इसीलिए इसको सुसाइड पॉइंट कहा जाता है। बहुत लोगों ने यहाँ से जंप किया तो इसलिए उन्होंने ग्रिल लगा दिया है सो दैट अब कोई बंदा यहाँ से जंप ना करे। तो काफ़ी रिस्की स्पॉट है एंड यहाँ से कोशिश करते हैं, अगर मेरी बाइक की कुछ अच्छी फ़ोटो आ जाए तो यार मैं डेफिनेटली लेने की ट्राई करूँगा। ये आप देख सकते हैं नीचे नैरो वैली, ये है किन्नर कैलाश,
अभी ट्रैकिंग चालू हो चुकी है। यहाँ के लोकल ने बोला है कि आपको रात में टॉर्च मशाले लिए लोग दिखेंगे ऊपर चढ़ते हुए। वहाँ पर एक स्पॉट है, लोकेशन है जहाँ पर पहला बेस कैंप है उसका, वहाँ से लोग फिर ऊपर चढ़ते हैं। वो माउंटेंस के बीच में एक कर्व दिखता है, उस कर्व पे मैं आपको क्लोज शॉट फ़ोन से बेटर कैमरे से लेके दिखा दूंगा, फ़ोन से वो माउंटेन रेंज है, उस कर्व पे है वो शिवलिंग है, तो दैट इज़ फेमस। तो मैं कोशिश करता हूँ सामने जाके आपको एक प्रॉपर लोकेशन दिखाऊंगा उसकी और बताऊंगा कि कैसे कौन सा बेस कैंप है। ग्रीन टाइप की दिख रही है वहाँ पर, वो है बेस कैंप। तो बाकी चलते हैं, अभी सन इस तरफ आ रहा है, आप देख रहे हो, आप कैलाश क्लियर दिख रहा है, तो आपको मोनेस्ट्री के लिए थोड़ा वेट करना पड़ेगा। और मोनेस्ट्री और अगर आपको किन्नर कैलाश एक साथ अच्छे से व्यू लेना है, फ़ोटो लेना है, तो आप सन की डायरेक्शन इस तरफ आ रही है, 3 बजे बेटर व्यू लगेगा आपको, ये आपको ध्यान में रखना है। गाइस ये आ गए हैं कल्पा मोनेस्ट्री। बहुत विंडी है, बारिश की सिचुएशन से बारिश होने वाली है ऐसा लगता है, तो मोनेस्ट्री देखते हैं, आपको मोनेस्ट्री दिखाता हूँ और मोनेस्ट्री के बारे में कुछ बताऊँगा। पहले आप ये देखिए कल्पा की ब्यूटीफुल मोनेस्ट्री, अभी मैंने आपको एंट्री करते हुए दिखाया, तो अभी और भी चीज़ें आपको कल्पा मोनेस्ट्री दिखाता हूँ मैं। तो ये रहा मोनेस्ट्री की अंदर की बाकी चीज़ें। कल्पा की मोनेस्ट्री 950 से लेकर 1055 AD में रिंचेंग सेंग पो ने बनाया था और ये 2960 मीटर हाइटिट्यूड में है। ये किन्नौर और इंडिया की काफ़ी पुरानी मोनेस्ट्रीज में से आती है और यहाँ की कल्चर को दिखाता है, यहाँ आपको ज़रूर आना चाहिए। देवी चंडिका फोर्ट कल्पा की एक और अमेजिंग आर्किटेक्चर में से एक है, जहाँ से आप किन्नर कैलाश देख सकते हैं और अमेजिंग व्यू देख सकते हैं। इस मंदिर के अंदर जाना मना है, लेकिन वुडन आर्किटेक्चर को आप बाहर से देख सकते हैं, जो कि काफ़ी सराहनीय और काफ़ी ब्यूटीफुल है। यहाँ देवी चंडिका की पूजा की जाती है और ये आप अपने ट्रैवल लिस्ट में ज़रूर ऐड कर सकते हैं, ये देवी चंडिका फोर्ट कल्पा विलेज में। और इसके बाद एक और मंदिर है जहाँ हम ज़रूर अभी जाएंगे। तो ये आ गए हैं हम कल्पा की तीसरी मंदिर पे। पहले मैंने आपको दिखाया एक मोनेस्ट्री और एक बड़ा किला और ये है तीसरी मंदिर। तो चलते हैं तीसरी मंदिर में, अंदर देखते हैं, थोड़े शूज़ वगैरह खोल लेता हूँ एंड आराम से इसकी प्रॉपर फोटोज़ लेते हैं और इस मंदिर में दर्शन करते हैं। चलिए ले चलता हूँ आपको मंदिर के अंदर। नागनागिनी टेम्पल अपने कार्व आर्किटेक्चर के लिए फेमस है और यहाँ की मोनेस्ट्री और फोर्ट जैसी ही काफ़ी ओल्ड है। बोला जाता था और है कि यहाँ स्नो लियोपर्ड के स्किन भी दिखेंगे, जो देवी की सवारी हुआ करती है। इस मंदिर के अंदर जाना मना है, आप नहीं जा सकते, लेकिन आप बाहर आसपास घूम सकते हैं, जो आपको ज़रूर घूमना चाहिए, क्योंकि इसकी सराउंडिंग और टॉप जो है ये कार्व्ड जो आर्किटेक्चर ये काफ़ी सुंदर है और यहाँ की हिस्ट्री को दिखाता है। आप देख सकते हैं काफ़ी सुंदर ये नागनागिनी मंदिर है, ज़रूर वर्थ विजिट मंदिर है ये कल्पा में। तो अब ये डे ओवर होने वाला है, पर डे ओवर होने से पहले मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि मैं कहाँ हूँ। यह है एप्पल ऑर्किड्स और यहाँ मैं जो स्वीट आंटी है जिनके पास मैं रुका हूँ होम स्टे, उनके साथ थोड़े काम करने वाला हूँ। तो डे एंड बहुत ही पीसफुल वे में करने वाला हूँ और एप्पल ऑर्किड में आंटी के साथ टाइम स्पेंड करने वाला हूँ और चीज़ें समझने वाला हूँ कि कैसे एप्पल की फार्मिंग होती है। तो कीप वॉचिंग गाइस, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मिलते हैं कल्पा के आगे की ट्रिप के अपडेट के साथ। थैंक यू गाइज़।